अस्सलाम वालेकुम बच्चे स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का ही नेक्स्ट लेक्चर है। जो पिछले दो तीन लेक्चर थे उसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन और उसकी डेफिनेशन और उसके गुड डाटा अनगुड डाटा के क्वेश्चंस करवाए थे और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस कर रहे थे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे वर्ड प्रॉब्लम्स। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम फर्दर दो तीन सवाल करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो सके। आज मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.9, 4.11 और 4.12 सेलेक्ट किया है। ये तीनों क्वेश्चन जब आपको समझ आ जाएंगे इसमें क्या होगा कि एक तो कंबाइंड वेरिएंस या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर जब किसी गिवन वेरिएबल को एक्स की वैल्यूज़ को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या उसको इंक्रीज करें या उसको डिक्रीज करें या उसको मल्टीप्लाई करें तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन उसके मीन पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिहाजा जब ये आप वीडियो लेक्चर अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड, उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4.9, बुक का पेज नंबर है 121। अब इसमें बताया हुआ है 4.9, द मीन ऑफ अ सेट ऑफ 10 वैल्यूज इज 25.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.72। यानी टू सेट्स ऑफ डाटा गिवन है। फर्स्ट सेट ऑफ डाटा में जो 10 वैल्यूज हैं उसका मीन जो है वो 25.2 है, वेयर एज द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.72। एंड सेकंड सेट ऑफ डाटा कंटेन्स 15 वैल्यूज हुज मीन इज 25.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4.05। अब इसमें क्या है, जब भी आपने कंबाइंड वेरिएंस या कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो आपको एक से ज़्यादा किस्म का डाटा दिए होंगे। यानी जैसे इसमें है टू टाइप्स ऑफ डाटा दिया, इसलिए मैंने एक को N1 और एक को N2 कर लिया। इसी तरह उनके मीन्स को X̅1 और X̅2 और उनकी गिवन स्टैंडर्ड डेविएशंस को S1 और S2 कर दिया। अगर ये दो से जाए थ्री टाइप्स ऑफ डाटा होता तो फिर हम N1, N2, N3, फिर X̅1, X̅2, X3 एंड सो ऑन। यानी डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटा इज गिवन। जब आपको टू टाइप्स दिया होगा तो N1 और N2 रखें, थ्री टाइप्स होगा तो N1, N2, N3 रखें एंड सो ऑन। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। SC स्टैंड फॉर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कि अगर इस गिवन डाटा की मदद से जिसमें दो टाइप्स का डाटा दिया हुआ है, N1 यानी 10 वैल्यूज हैं उसका मीन जो है वो 25.2 है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.72 है, वेयर एज द सेकेंड टाइप ऑफ डाटा कंटेन 15 वैल्यूज whose mean is 25.2 and standard deviation is 4.05, we are going to find standard deviation of the combined as a whole। ये combined standard deviation find करनी है। जब मैंने properties of standard deviation variance बताई थी तो उसमें combined standard deviation या combined variance का formula लिखा दिया था और उसमें मैंने कहा था कि जब मैं numerical कराऊंगा तो आपको ज़्यादा clear हो जाएगा। आप ऐसे ही करेंगे, जब भी हमने combined standard deviation या variance निकालनी है उससे पहले हमने combined mean चाहिए होगा, क्योंकि जो कंबाइंड वेरिएंस है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है उसमें ये देखें लिखा हुआ है, कंबाइंड वेरिएंस इज इक्वल टू N1 इंटू S1 स्क्वायर प्लस X̅1 माइनस X̅C। यानी कंबाइंड मीन पहले हमें चाहिए होगा, फिर सिमिलरली प्लस N2 इंटू S2 स्क्वायर प्लस X̅2 माइनस X̅C। या अगर थर्ड टर्म होती तो फिर उसको भी हम ऐसे लिखते हैं N3 इंटू S3 स्क्वायर प्लस X̅3 माइनस X̅C। यानी सबसे पहले कंबाइंड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले हमारे पास कंबाइंड मीन होना चाहिए, तो कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं। कंबाइंड मीन का फार्मूला है N1 X̅1 प्लस N2 X̅2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अगर तीसरा किस्म का भी डाटा होता तो यहाँ पे प्लस N3 X̅3 और नीचे यहाँ पे N1 प्लस N2 प्लस N3 होता है एंड सो ऑन। ऐसा सबसे पहले हम कंबाइंड मीन निकालते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। N1 है हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय X̅1 की वैल्यू है 25.2 प्लस N2 है हमारा 15 मल्टीप्लाइड बाय जगह नहीं नीचे N1 है हमारा 10 मल्टीप्लाइड बाय X̅1 है हमारा 25.2 प्लस N2 की वैल्यू हमारी 15, X̅2 है वो भी 25.2 है, यानी मीन दोनों का सेम दिया हुआ है लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज डिफरेंट हैं, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 यानी 10 प्लस 15
अब इसको हम कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेते हैं। 10 times 25.2 हो गया 252 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 25.2 इज इक्वल टू 660 डिवाइडेड बाय 25। अब यहाँ से हमारी x बार c की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू कंबाइंड मीन, यानी 660 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू कंबाइंड मीन आ गया हमारा 26.4। ये हमारी x बार c की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिखना है और जहां पे x बार c आ रहा है वहां पे इसकी वैल्यू प्लेस कर देंगे। वैल्यू पुट कर देते हैं, एन वन है हमारा 10 इंटू एस वन, एस वन की वैल्यू है 3.72, तो उसका स्क्वायर ले लेते हैं, 3.72 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12.84 प्लस एक्स बार वन, एक्स बार वन की वैल्यू हमारी 25.2 माइनस कंबाइंड मीन 26.4 और इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस एन टू, एन टू हमारा 15 इंटू एस टू स्क्वेयर, एस टू की वैल्यू हमारी 4.05 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 16.40 और आगे क्या है 16.4025। आप 16.40 भी लिख सकते प्लस एक्स बार टू, एक्स बार टू है हमारा 25.2 माइनस एक्स बार सी कंबाइंड मीन है 26.4 इसका होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू यानी 10 प्लस 15। अब इसको सिंप्लीफाई जब आपने करना है कैलकुलेटर को ध्यान से, पहले आपने इन दोनों का डिफरेंस लेके स्क्वायर लेना है, फिर इसमें ये ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना, यानी ऐसे लिखेंगे 25.2 माइनस 26.4 इसका डिफरेंस लें, अब इसका स्क्वायर ले लें और जो आंसर आए उसमें 12.84 ऐड कर दें प्लस 12.84 ये आंसर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें आप 10 से मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 142.8 प्लस, अब इसी तरह इसमें करेंगे पहले 25.2 और 26.4 का डिफरेंस लें, ये सेम हो जाएगा 25.2 माइनस 26.4 इधर भी था उसका डिफरेंस लिया उसका स्क्वायर ले लेंगे 25.2 माइनस 26.4 डिफरेंस ले लिया और फिर अब इसका स्क्वायर लेना है माइनस 1.2 का, इसका स्क्वायर ले लिया विच इज इक्वल टू 1.44 प्लस 16.4 प्लस 16.40 आंसर मल्टीप्लाइड बाय 15 आंसर आ गया हमारे पास 267.6।
डिवाइडेड बाय 25। अब इसको वैल्यू निकाल लेते हैं, 267.6 प्लस 142.8 ये आ गया जी आंसर हमारा 410.4 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 16.416 ये देख, इस तरह से हमने कंबाइंड वेरिएंस निकाल लिया। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में इसने कहा है कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करनी, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो एस स्क्वायर सी का स्क्वायर रूट लें इज इक्वल टू 16.416 का स्क्वायर रूट लें, व्हिच इंप्लाइज दैट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 16.416 इज इक्वल टू 4.0516 यानी 4.02 विच इज इक्वल टू द कंबाइंड स्टैंडर्ड। यानी देखने में सवाल जरूर मुश्किल है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कंबाइंड वेरिएंस पहले निकाल लें। अगर कंबाइंड वेरिएंस निकल आएगा तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। करना क्या, आपने जितनी भी टाइप्स ऑफ डाटा गिवन है उन सबको 1, 2, 3 के हिसाब से आपने सेटिंग कर लेनी है, यानी N1, N2, N3 इस तरह X bar 1, X bar 2, X bar 3 फिर S1, S2, S3 एंड सो ऑन। सबसे पहले आपने कंबाइंड मीन निकालना है। कंबाइंड मीन निकालने का ये फार्मूला X bar C is equal to N1 X bar 1 plus N2 X bar 2 plus N3 X bar 3 एंड सो ऑन। जब कंबाइंड मीन आ जाएगा फिर आपने कंबाइंड वेरिएंस के फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, N1 into S1 square plus X bar 1 minus X bar C whole square। यानी पहले कंबाइंड मीन निकालेंगे, फिर जो गिवन मीन्स है X bar 1, 2 और 3 उसमें से बारी बारी कंबाइंड मीन को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेंगे, उसमें फिर कंसर्न वेरिएंस ऐड करेंगे और उसके बाद उसको N1 या N2 या उसके भी नंबर ऑफ वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाएंगे और उसके बाद सारी आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि जो भी आपका न्यूमरेटर बन रहा है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। पहले आप कंबाइंड वेरिएंस निकाल लें, जब आंसर आ जाए तो उसका स्क्वायर रूट लें, तो वो आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.11। अब इसमें क्या गिवन है कि एक्स की वैल्यूज गिवन है 3, 6, 1, 7, 2 एंड 5। क्वेश्चन में बताया हुआ स्टेटमेंट के जरिए कि इफ वी मल्टीप्लाई द ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बाय 2 एंड देन ऐड 5 टू ईच वैल्यू द न्यू वेरिएबल बिकम्स वाई इज इक्वल टू 2x plus 5। यानी वहाँ पे वैल्यूज कैलकुलेट करके दी भी हुई है, लेकिन अगर ना भी दी होती तो हम क्या करते हैं, एक्स की ओरिजिनल वैल्यूज लिखते 3, 6, 1, 7, 2 और 5 और एक नई वेरिएबल बना लेंगे वाई इज इक्वल टू 2x plus 5। इसका क्या मतलब है, एक्स की हर वैल्यू को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 5 उसमें ऐड कर दें। तो 2, 3 6 plus 5 किया तो देखें 11, 2, 6 12 plus 5 किया तो आ गया 17 एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गई हैं, एक्स की और वाई की। अब क्वेश्चन कुछ है कि जब ये नई वेरिएबल बन जाएगी तो इन दोनों के मीन या इन दोनों की स्टैंडर्ड डेविएशंस का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होगा, कोई चेंज आएगी तो उसको डिस्कस करना है। तो सर सबसे पहले हम जो ओरिजिनल वैल्यूज है एक्स उसका सम लेके यहाँ से उसका मीन लगा लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन यानी 24 डिवाइडेड बाय 6 वैल्यूज हैं, यहाँ से हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई 4। पहला आंसर हमने निकाल लिया। यानी जो ओरिजिनल डाटा था उसका पहले मीन निकाल लिया। अब जो हमने 2 टाइम्स उसका मल्टीप्लाई करने के बाद 5 ऐड करने के बाद जो नई वेरिएबल बनाई है उसका मीन निकाल लेते हैं। y बार इज इक्वल टू समेशन y ओवर n यानी 78 डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब है यहाँ से y बार की वैल्यू आ जाएगी 13। दोनों के मीन्स आ गए। अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो ओरिजिनल डाटा था उसका मीन था 4, जबकि नई वेरिएबल बन गई y उसका जो मीन आया है वो 13 आया।
अब हमने प्रॉपर्टीज, मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज ऑफ अरेंजमेंट एक मीन बताई थी उसमें भी मैंने बताया था कि जब भी किसी वेरिएबल को यानी जो गिवन वैल्यूज हैं उसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें या उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वही सारा कुछ हमने उसके मीन्स के साथ भी करना है। या सिंपल वर्ड्स में पहले आप वेरिएबल को डिफाइन कर लें कि जो नई वेरिएबल है वाई इज इक्वल टू 2x + 5, आप इस पर बार अप्लाई कर दें यानी वाई का बार हो जाएगा 2x बार हो जाएगा और कॉन्स्टेंट आइडेंटिटीज आएंगी यानी व्हेन वाई इज इक्वल टू 2x + 5 विच मीन दैट वाई बार इज इक्वल टू 2x + 5। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे और ये दोनों साइड इक्वल आ जाएगी यानी वाई बार का आंसर हमारा क्या आया 13 इज इक्वल टू 2 times x bar था हमारा 4 + 5 विच इम्प्लाइज दैट ये देखें 13 इज इक्वल टू 13 4 + 5 9 9 2 4 + 5 9 9 2 18 अच्छा तो वाई बार में 78 15 15 24 24 and 33 and 5 38 8 carry 3 4 5 6 7 78 divided by 1 2 3 4 5 6 78 over 6 78 over 6 is equal to 13 2 times x + 5 y is equal to 2x + 5 so y bar is equal to 2 times x bar + 5 x bar की वैल्यू थी हमारी 4 और सही गलती 2 times x bar यानी 2 times 4 + 5 ऐसे करना। अभी देखें इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 13 आ गया और ये 2 4 8 8 + 13 = 13 दोनों साइड इक्वल हो। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आप x की जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं उसको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या उसमें कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो जो आपके नई वेरिएबल आएगा उसका मीन जो है वो ओरिजिनल मीन के साथ भी वही आपने स्लूक करना है। यानी अगर हमने x को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 5 ऐड किया तो इसका था जब नया वाई बार जो नई वेरिएबल का मीन आएगा उसमें भी हम ऐसे करेंगे कि जो ओरिजिनल एक्स बार था यानी एक्स बार का जो मीन था 4 उसको 2 times लेंगे उसमें 5 ऐड कर देंगे दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। ये है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एक्स बाय 2 एंड देन ऐड 5 जब हम एक्स की तमाम वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई करें उसमें 5 ऐड करें तो जो हमारा ओरिजिनल मीन था एक्स का उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करें उसमें 5 ऐड कर देंगे तो जो नए वेरिएबल है उसके मीन के इक्वल आ जाएगा। अब हम इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। पहले एक्स की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लिखें एस एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं और फिर वाई स्क्वायर का भी कॉलम बना लेते हैं। एक्स का स्क्वायर ले लें 9 36 1 49 4 and 5 का स्क्वायर हो गया 25। वाई का ले लेते हैं 11 का स्क्वायर लिया 121 17 का आ गया 289 फिर 7 का आ गया 49 19 का आ गया 361 9 का आ गया 81 और फिर 15 का आ गया 225। अब जो हमने नए स्क्वायर लिए इनका सम ले लेते हैं 9 + 36 = 45 + 146 + 49 = 453 + 25 सम आ गया हमारे पास 124। अब वाई स्क्वायर का सम ले लेते हैं 121 + 289 + 49 + 361 + 81 and + 225 सम आ गया हमारे पास 1126। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पहले एक्स में समेशन एक्स स्क्वायर आया हमारा 124/6 माइनस समेशन एक्स ओवर एन यानी जो हमारा मीन आया था उसी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं
4 का स्क्वायर। अब यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल लेते हैं, 124 डिवाइडेड बाय 6, 20.67 माइनस 4 का स्क्वायर लिया 16, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, यानी 20.67 माइनस 16, आंसर आ गया हमारे पास 4.67, और अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं 2.16, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गई 2.16। अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, पुट कर देते हैं, समेशन वाई स्क्वायर है 1126 डिवाइडेड बाय एन था हमारा 6, माइनस समेशन वाई ओवर एन की वैल्यू मैंने निकाली हुई है 13, और उसका होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 1126 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 182.67 माइनस 13 का स्केल लिया 169। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देते हैं 182.67 माइनस 169 इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर रूट ले लें, आंसर आ गया हमारे पास 3.697 यानी 3.70। अब दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन आ गए, एस एक्स एंड एस वाई, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। जैसे कि मीन में रिलेशनशिप हमने शो किया, अब हमने देखना है कि इन दोनों में क्या इंपैक्ट आता है। अगर आप देखेंगे दोबारा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वहां से देखें प्रॉपर्टीज में मैंने बताया था इफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी देन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी अगर ओरिजिनल वैल्यूज को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसमें कुछ चीज ऐड करें या ना करें, तो जब हम किसी की कोई चीज ऐड करें, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस माइनस ए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, यानी अगर किसी वेरिएबल में कोई भी कॉन्स्टेंट लेस करें या ऐड करें तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसकी वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया वो नंबर उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यानी इफ वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी देन एस वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अब ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है 2, इसका मतलब है y is equal to 2x plus 5 हो जाएगा, s y is equal to 2 times standard deviation of x। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं, हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमारी आई है 3.70 इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 2.16, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.16 और है 4.32, इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमारी ठीक नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई चेक कर लेते हैं, समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन, यानी 1126 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 187। अच्छा पहले को लेंगे 187.67 माइनस 169 इज इक्वल टू 18.67, अब उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आंसर आया 4.32, बिल्कुल ठीक है। बस इसीलिए करने कैलकुलेशन जहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है वहाँ पे आपने ध्यान से काम करना है 4.32। अब देखें दोनों साइड का आंसर सेम होगा 4.32,
4.32 is equal to 4.32. अब इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यानी जब x की ओरिजिनल वैल्यूज को हम किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करें, उसमें कोई कॉन्स्टेंट ऐड या लेस करें, तो मीन का रिलेशनशिप क्या आ जाएगा? अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है तो इसका मतलब y बार इज इक्वल टू 2x बार प्लस 5 हो जाएगा। और इसी तरह जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जब हम x वेरिएबल की वैल्यूज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और कोई नंबर ऐड करें उसमें, तो जो नंबर आपने उसको मल्टीप्लाई किया है वही नंबर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई होगा। यानी इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होगा तो एस वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स एस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि a की वैल्यू 2 थी, लिहाजा एस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एस एक्स हो गया। अब मैंने दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली थी, एस वाई की स्टैंडर्ड डेविएशन और x की स्टैंडर्ड डेविएशन, इस इक्वेशन में पुट की तो दोनों साइड इक्वल आ गए। इसका मतलब है दिस इज द रिलेशनशिप विच वाज बीइंग आस्क्ड फॉर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.12, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एक्स की वैल्यूज गिवन थी 70, 50, 60, 70 एंड 50। अब दो चीज़ें पूछी हैं, ये पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन पे क्या इम्पैक्ट आएगा इफ द ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीज बाई 10 पार्ट वन में, और पार्ट टू में पूछा है इफ ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इज इंक्रीज बाई 10%। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे पहले टेबल बना कर रखा है कि एक्स की जो गिवन वैल्यूज हैं, जो वाई हमने ऐड किया है एक्स प्लस 10, क्योंकि इंक्रीज बाई 10 है तो एक्स की तमाम वैल्यूज में 10 ऐड करते हैं। 70 प्लस 10 80, 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80 एंड 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। अब नई वेरिएबल बनाइए z, विच इज इक्वल टू x प्लस 10% ऑफ x, यानी x की हर वैल्यूज का पहले 10% लें और उसको फिर x में ऐड कर दें। तो 70 का 10% हो जाएगा 7, तो 7 प्लस 70 यानी आ गया 77। सिमिलरली 50 का 10% होता है 5, तो 50 प्लस 5 हो गया 55। इसी तरह 60 का 10% हो गया 6, तो 6 प्लस 60 इज इक्वल टू 66 एंड सो ऑन। z भी बना ली, अब इन तीनों के हमने सम लगा लिए। समेशन x आ गया 300, समेशन y आ गया 350 और समेशन z आ गया 330, क्योंकि अब हमने इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंसेस भी लेने हैं, जैसे इनके स्क्वेयर्स ले लेते हैं। 70 का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4900, फिर 50 का स्क्वेयर लिया तो 2500, फिर 60 का 3600 एंड सो ऑन, और टोटल आ गया इसका एंड समेशन x स्क्वेयर आ गया हमारा 18400। सिमिलरली अब y का स्क्वायर ले लेते हैं, 80 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 6400, 60 का 3600, 70 का 4900। इसी तरह अब सारों का सम स्क्वायर लेने के बाद हम सम ले लेते हैं, यानी समेशन x स्क्वायर आ गया हमारा 18400, समेशन y स्क्वायर आ गया 24900। सिमिलरली z की तमाम वैल्यूज का स्क्वायर लिया तो इसका सम आ गया हमारे पास 22264। यानी क्या किया, सबसे पहले जो ओरिजिनल डाटा गिवन था हमारा x की वैल्यूज, हमने एक नई वेरिएबल y बनाई, उसको लिखा y इज इक्वल टू x प्लस 10, क्योंकि ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x इज टू बी इंक्रीज बाय 10, तो इसमें 10 ऐड करके y बना लिया। फिर z कैसे बनेगा, x प्लस 10% ऑफ x, यानी जो भी x की वैल्यूज गिवन है पहले उसका 10% निकालें। 70 का 10% होगा 7, 50 का होगा 5, 60 का होगा 6 और भी उसी में ऐड कर दें, ये हमारी z की वेरिएबल आ जाएगी। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस भी निकालनी है तो इन सारे तमाम कॉलम्स का x, y, z का स्क्वायर लेने के बाद x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर हमारा टेबल रेडी हो गया। अब हम देखते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू से मीन का और जो नई वेरिएबल्स बनाए उसके मीन का क्या इम्पैक्ट है और उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं x का, तो x बार इज इक्वल टू समेशन x ओवर n यानी 300/5 विच इज इक्वल टू 60, यानी जो ओरिजिनल वैल्यूज थी उसका मीन आ गया हमारे पास 60। अब हर वैल्यू को जब हमने 10 इंक्रीज किया था यानी 10 ऐड किया था तो वो y बन गया था। अब y का मीन निकाला, वो आ गया y बार इज इक्वल टू 350/5 विच इज इक्वल टू 70। सिमिलरली जब x प्लस 10% किया तो z, इसका मीन आ गया हमारे पास 66। अब यहाँ से मेरी रिलेशनशिप साफ दिखाई दे रहा है कि जब ओरिजिनल वैल्यूज x हैं उसका मीन था 60, तो y यानी जब हमने ईच एंड एवरी वैल्यू को इंक्रीज किया बाय 10 तो देखें मीन भी उसका 10 से इंक्रीज हो गया, यानी 60 की बजाय 70 हो गया। सिमिलरली जब x की वैल्यूज ओरिजिनल थी तो मीन था हमारा 60, जब हमने उसकी वैल्यूज को 10% इंक्रीज किया तो देखें
एक्स बार इज 60 तो जी बार आ रहा है 66 विच इज अगेन इंक्रीज बाय 10%। तो ये रिलेशनशिप पता लग गया, रिलेशन क्या बन गया, व्हेन एक्स इज इंक्रीज बाय 10 देन इट्स मीन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय अमाउंट 10। सिमिलरली व्हेन एक्स इज इंक्रीज बाय 10% इट्स मीन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%। यानी जब एक्स की वैल्यूज को हमने 10 ऐड किया तो जो एक्स का मीन था, जो नया मीन है, उसमें भी 10 ऐड हो गया। सिमिलरली जब हमने एक्स की हर वैल्यू को 10% से इंक्रीज किया तो जो एक्स का मीन था वो भी 10% से इंक्रीज हो गए, यानी 60 से बजाय 66 हो गया। अब हम इनके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, उसके अंदर रिलेशनशिप देखते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन यानी 18,400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज थी हमारी 5 माइनस समेशन एक्स ओवर एन यानी जो मीन निकाला उसी का स्क्वायर ले लेते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब मेरे पास क्योंकि स्पेस कम है लिहाजा मैं डायरेक्ट आंसर निकाल दूंगा। 18,400 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 60 का स्क्वायर लेंगे तो 3600 विच इज इक्वल टू 80 और इसका आप स्क्वायर रूट ले लेता हूँ विच इज इक्वल टू 8.94। ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू। अब इस तरह वाई की निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई समेशन वाई स्क्वायर है 24,900 डिवाइडेड बाय 5 माइनस समेशन वाई ओवर एन यानी 70 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं 24,900 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 70 का स्क्वायर लेंगे तो 4900 विच इज इक्वल टू 80 उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अगेन सेम आंसर आ गया 8.94। अब लास्ट जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जी की वैल्यू क्या थी, समेशन जी स्क्वायर ओवर एन, इसके आगे लिख लो समेशन जी स्क्वायर था 22264 डिवाइडेड बाय 5 माइनस जी बार 66 का होल स्क्वायर। अब आंसर निकाल लेते हैं इसका भी 22264 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 66 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। आंसर आ गया 9.84। अब देखें मीन का रिलेशन समझ आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का देखें कि ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी हमारी 8.94। जब हमने एक्स की वैल्यूज में 10 ऐड किया तो इसका मतलब है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। प्रॉपर्टी मैंने यही पढ़ाई थी आपको कि एक्स प्लस माइनस ए होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस माइनस ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स ही रहेगी। यानी अगर ओरिजिनल वैल्यूज में आप कोई कॉन्स्टेंट ऐड या लेस कर दें तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। ये देखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 8.94 था जब हमने उसमें वैल्यूज 10 ऐड की, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई भी 8.94 ही है, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जो दूसरी प्रॉपर्टी थी जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया यानी 10% उसको इंक्रीज किया तो ये देखें 8.94 से इंक्रीज होने के बाद 9.84 हो गया। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स रिमेंस अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज इंक्रीज बाय 10 वेयर एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी हैज इंक्रीज बाय 10% क्योंकि जब हमने उसको 10% से इंक्रीज किया था एक्स की वैल्यूज को तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन भी 10% से इंक्रीज कर गई। अब इम्पैक्ट देख लें कि जब एक्स की वैल्यूज गिवन थी हमने एक्स की वैल्यू को इंक्रीज किया बाय 10 तो उसका मीन भी इंक्रीज हो गया बाय 10 लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं हुई। यानी द मीन इज इंक्रीज बाय 10
वेयर एज द स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स अनचेंज. वेन द वैल्यूज आर इंक्रीज बाई 10%, क्योंकि मल्टीप्लाई किया है, तो फिर क्या हुआ कि जो मीन है वो भी 10% इंक्रीज हो गया, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जी भी 10% इंक्रीज हो गई. उम्मीद आपको समझ आ गया होगा. बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, टाइम भी इसमें थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगाया, मैंने कैलकुलेशन भी आपके सामने करने की कोशिश की ताकि हर एक बच्चे को एक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. क्योंकि अगर ये मैं सारा बोर्ड पहले रेडी कर देता तो शायद इतनी अच्छी तरीके से आपको समझ ना आता. तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि जब भी आपने प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करनी है, जो भी गिवन डाटा है वो पहले लिख लें, उसके बाद पहले कंबाइंड मीन निकालें, फिर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन या कंबाइंड वेरिएंस की तरफ जाएं. इसी तरह जब आपको किसी भी स्टैंडर्ड डेविएशन की एप्लीकेशन सिखाएंगे, तो आपने ओरिजिनल वैल्यूज के साथ जो सलूक करना है उसकी प्रॉपर्टीज को माइंड में रखते हुए आपने इसको प्रूव करना है. और इस तरह से आपने पहले मीन अलग-अलग निकाल लेना है ओरिजिनल वैल्यूज का, फिर जो आपने इंक्रीज किया उसका निकालना है, फिर उनको कंपेयर करके देखना है, इसी तरह उनकी स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करना है, और प्रॉपर्टीज की मदद से आपने सारे सवाल कर लेने हैं. उम्मीद आपको समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं किसी एक नए टॉपिक के साथ आपके लिए खिदमत दोबारा जाऊँगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.